दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा देते हुए चार बातों को बताया जो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। गुरु ने कहा, हे शिष्य, मैं तुम्हें चार गुणों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला है दान। यह मनुष्य का ऐसा गुण है जिसे मनुष्य को स्वयं ही अपने अंदर जागृत करना पड़ता है, क्योंकि दान देने का गुण सिखाया नहीं जा सकता। यह मनुष्य का भीतरी गुण होता है। यदि व्यक्ति में यह गुण नहीं है तो उसके पास तीनों लोकों की संपूर्ण संपत्ति ही क्यों न हो, वह किसी को दान नहीं दे सकता। जिनमें दान देने का गुण होता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। दान सिर्फ धन से ही नहीं, बल्कि दान शिक्षा का, भोजन का, किसी गरीब एवं बेजवान पशु पक्षियों की सहायता करके भी किया जा सकता है। दान की श्रेष्ठता वहीं पर होती है जहां दान लेने वाले की आवश्यकता हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। दान का फल मनुष्य को उस तरह से मिलता है जिस तरह से अगर व्यक्ति किसी फलित पौधे या बीज को लगाता है, वह कुछ समय बाद एक बड़ा वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से व्यक्ति को हजारों फल प्राप्त होते हैं। दूसरा है धैर्य। मनुष्य में धैर्य का गुण उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार होता है। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल है तो वह किसी भी कार्य, वस्तु एवं विषय के लिए धैर्य कर सकता है। ऐसा होने से उस मनुष्य को उचित लाभ मिलता है। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति निर्बल है तो वह किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करने में धैर्य नहीं रखता। ऐसा होने पर धैर्य टूट जाता है और टूटा हुआ धैर्य मनुष्य को उसी तरह डुबो देता है जिस तरह बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियाँ उनके आसपास के स्थानों को डुबा देती हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए मनुष्य के अंदर धैर्य होना चाहिए। तीसरा है व्यक्ति में फैसला लेने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति में उचित फैसला लेने की क्षमता का गुण होना चाहिए। अगर उचित समय पर उचित फैसला लेना व्यक्ति को नहीं आता तो उसे कितना भी बाहरी ज्ञान या शिक्षा देकर सिखा दिया जाए, परंतु जब फैसला लेने का समय आता है तो वहाँ पर वह व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है, वह व्यक्ति कोई उचित फैसला नहीं ले पाता, इसी कारण से वह परेशानियों में फंस जाता है। इसलिए उचित फैसला लेने का गुण व्यक्ति को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। हे शिष्य, चौथा है मीठी वाणी। हर एक व्यक्ति अपने बाल्यावस्था से ही बोलना सीखता है। व्यक्ति की वाणी अर्थात बोलचाल का गुण उसके बचपन की परवरिश और वातावरण के रहन सहन के अनुसार ही उसे प्राप्त होता है। मीठी वाणी का गुण होता तो सभी में है, लेकिन सभी मनुष्य अपने जीवन में मीठी वाणी बोलने का गुण नहीं उतार पाते और ऐसे व्यक्ति जाने अनजाने में किसी को भी बुरा भला कह देते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को परेशानियों एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। व्यक्ति को किसी से भी बात करते समय सोच समझकर बात करना चाहिए। शब्द के अर्थात हमारे मुख से निकली हुई वाणी के हाथ पैर नहीं होते, परंतु उस बोले हुए शब्द का उसे सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। मधुर वाणी में बोला गया अच्छा शब्द औषधि अर्थात दवा का काम करता है, तथा इसके विपरीत कटु वाणी में बोला गया शब्द बड़ा घाव अर्थात आघात करता है। इसलिए व्यक्ति में सोच समझकर बोलने का गुण अर्थात मीठी वाणी को बोलने का गुण व्यक्ति में होना चाहिए। मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति दुखी नहीं रहते
एवं उनका हर जगह सम्मान किया जाता है। गुरु ने कहा, हे शिष्य, यह चार तरह के गुण जिस मनुष्य में होते हैं उनको जीवन में किसी से दुख नहीं मिलता। मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।